मेदिनी नगर सिविल सर्जन कार्यालय में सैकड़ों एएनएम और जीएनएम कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे धरने पर। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया था कि सभी एएनएम और जीएनएम के कर्मियों को स्थायी की जाएगी, साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कोई उनकी मांग पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर सभी धरना पर बैठे। एएनएम और जीएनएम के कर्मियों को धरना पर बैठने में पूरी स्वास्थ्य विभाग चरमरा गई है। मांगे हैं हम लोग को नियमित करे सरकार हम लोग से वादा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन बोले थे, तो हम अनुबंध ही समाप्त कर देंगे, लेकिन इतना साल बीत जाने के बाद भी हम लोग को अभी तक नियमित नहीं किया गया। 10 से 15 वर्ष से हम लोग लगभग बहुत अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा गुजारा करना मुश्किल है। कल हम लोग गए थे घेराव करने के लिए, पहले से उनको लेटर दिया हुआ था, फिर भी उन्होंने हम लोग का प्रोग्राम सफल नहीं होने दिया, मुझसे मिले ही नहीं, शायद वो बाहर गए हुए थे। बहुत कुछ कर्मी लोग हैं वहाँ रांची में धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी एनएचएम कर्मी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनते तो आगे का क्या करें? आगे का रणनीति हम लोग का बना हुआ है, अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, आगे जाके आमरण अनशन तक हम लोग का जाना है। क्या नाम है आपका? विभा कुमारी।